नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Note 20 वर्सेस Oppo Reno 6 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy Note 20 में 6.36 इंच जबकि Reno 6 Pro 5G में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy Note 20 से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy Note 20 में 2.96 इंच जबकि Reno 6 Pro 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy Note 20 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy Note 20 में 0.33 इंच जबकि Reno 6 Pro 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy Note 20 में 192 ग्राम्स जबकि Reno 6 Pro 5G में 177 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy Note 20 में Super AMOLED Plus जबकि Reno 6 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy Note 20 में 6.7 इंचेस जबकि Reno 6 Pro 5G में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy Note 20 में 89.18% जबकि Reno 6 Pro 5G में 88.56% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy Note 20 में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Reno 6 Pro 5G में 402 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy Note 20 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, रियर कैमरा सेटअप और आखिर में 12 MP 2.2 वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Reno 6 Pro 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy Note 20 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Reno 6 Pro 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy Note 20 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Reno 6 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy Note 20 में Mali G77MP11 जबकि Reno 6 Pro 5G में Mali G77MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy Note 20 में Samsung Exynos 9 Octa 990 और Reno 6 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1200MT6893 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy Note 20 में 256GB जबकि Reno 6 Pro 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy Note 20 में Android V10 Q जबकि Reno 6 Pro 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy Note 20 में 4300 mAh जबकि Reno 6 Pro 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy Note 20 में 3 कलर्स जबकि Reno 6 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
गैलेक्सी नोट 28GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 64,980 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें रेनो 6 प्रो 5G की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39,680 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी नोट 20 आगे है, मेन कैमरा में रेनो 6 प्रो 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Asus ROG Phone 3 है, दूसरा Vivo X60 Pro है, तीसरा Samsung Galaxy S20 Fee है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S72 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।